हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी क्लास सेवन्थ की इंग्लिश की वर्कशीट करने वाले हैं, जो वर्कशीट का नंबर है 18। ये आपके 20 सितंबर की वर्कशीट है। तो सभी बच्चे अपने अपने इंग्लिश की नोटबुक निकालेंगे, जिससे आप लोग हैंड टू हैंड वर्कशीट को कंप्लीट कर सको और अपने टीचर से चेक करा सको। देखो, सब्जेक्ट आपका दिया गया है इसमें इंग्लिश, ठीक है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे इंग्लिश, क्लास लिखोगे सेवन्थ, ठीक है। वर्कशीट का नंबर आपका है 18, फिर आप लिखोगे डेट 20 सितंबर, ठीक है बच्चों। आपकी मंडे की वर्कशीट है, मंडे, ठीक है। और आपकी अदर हमारे चैनल पे वर्कशीट सबसे पहले अपलोड कर दी जाती है, तो सभी बच्चे अपनी वर्कशीट हैंड टू हैंड कंप्लीट कर लेंगे और अपने टीचर से चेक करा लेंगे। सबसे पहले देखो, आपको निकालनी है अपनी नोटबुक। आप एक टॉपिक डालोगे, आपको लिखना है माई पेट, ठीक है। देखिए, जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं कि मैंने आप लोगों को एक व्लॉग चैनल दिया था, जिस पे मैंने वीडियो डाली थी, तो उसका बच्चों नाम रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। तो जो बच्चे टेलीग्राम पे हैं वो देख सकते हैं, अगर आपका नाम उसमें सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। उस बच्चे का मैंने नाम अनाउंस किया और उसे एड्रेस लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उस पर लाइव पता लग जाएगा कौन बच्चा जीता है और किसको गिफ्ट मिला है, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर एक लिखना है, गेस द पेट एनिमल एंड ड्रॉ द सेम इन द बॉक्स गिवन नेक्स्ट टू इट, ठीक है। देखो, इसमें आपको अपने पेट एनिमल का नाम लिखना और उसका ही आपको डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले लिखा है हु आई एम, ठीक है। मैं कौन हूँ? आई एम अ पैट एनिमल, ठीक है। पैट एनिमल देखो कौन कौन से होते हैं आपके, कुत्ता होता है, बिल्ली होती है, ठीक है। और इनने लिखा आई बार्क एट स्ट्रेंजर्स, मतलब वो अनजान व्यक्ति पे क्या भौंकता है। तो ऐसा कौन सा कुत्ता है जो भौंकता है दूसरे के ऊपर? तो आपका इसमें आ जाएगा डॉग, ठीक है। तो सभी बच्चे इसमें डॉग लिख देंगे और यहाँ पर आपको उसका डायग्राम बनाना है, ठीक है। सभी बच्चे यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो डायग्राम आप कहीं से भी देख के बना सकते हैं, नेट पे जैसे गूगल पे आप सर्च करोगे आपको डायग्राम मिल जाएगा। किसका बनाना है आपको? डॉग का, ठीक है। तो आप सर्च करके यहाँ से डॉग का डायग्राम बना सकते हो। इसमें लिखा हु एम आई? आई एम अ पैट एनिमल। आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क। मिल्क कौन सबसे ज़्यादा पसंद करता है? कैट। आई मियाव ऑल डे, ठीक है। तो इसका आ जाएगा आई एम अ कैट, ठीक है। सभी बच्चे यहाँ पर कैट लिख देंगे। और आपको क्या करना है, इसमें भी डायग्राम ही बनाना है, ठीक है। इसमें भी आप क्या करेंगे, डायग्राम बना देंगे यहाँ पे, किसका? कैट का। वो भी आपको कहाँ से? गूगल पे से आप देख सकते हो कैट का डायग्राम। कोई भी स्केच बना सकते हो आप लोग, ठीक है। और सभी बच्चे डायग्राम बना के मुझे टेलीग्राम पे जरूर सेंड करेंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, राइट अबाउट योर पैट। इफ़ यू डोंट हैव पैट, राइट अबाउट अ पैट यू वुड लाइक टू हैव, ठीक है। आपको अपने पेट के बारे में लिखना है। अगर आपके पास कोई पेट नहीं है तो आपको कैसा पेट पसंद है आपको उसके बारे में लिखना है, ठीक है। देखिए, आपको ये क्वेश्चन उतारना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन लिखोगे आप, फिर आपको लिखना पड़ेगा व्हाट काइंड ऑफ पेट डू यू हैव, ठीक है। तो देखिए, आपके पास क्या क्या है या आप क्या पसंद करते हैं। देखो, कैट दिया है, डॉग दिया है, ठीक है। दोनों में से आपको क्या पसंद है आप वो लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं कहता हूँ कि आप लिख दीजिए इसमें डॉग, ठीक है, क्योंकि मोस्टली बच्चों के घर पे डॉग होंगे या फिर आसपास में, ठीक है। इसमें दिए गए, अब देखो, इसे आप फर्स्ट लिखोगे ऐसे फर्स्ट करके, व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर पेट, आप अपने पेट के बारे में क्या पसंद करते हो, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना है आई लाइक टू, आप उसकी क्या पसंद करते हो? प्लेफुलनेस, ठीक है। आप लिख दोगे आई लाइक इट्स प्ले फुलनेस, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको ये सब काट देना है, क्योंकि आपने क्या लिखा उसके बारे में, इट्स प्ले फुलनेस, ठीक है। माई पेट्स नेम इज, आप लिख सकते हो जैसे आपने लिख दिया जैक, और जो भी आपको डॉग का नाम हो वो लिख दोगे। बाकी जो भी नाम आप चाहते हो कि अगर आपका कभी डॉग हो तो उसका क्या नाम होना चाहिए, आप वो लिख सकते हो, ठीक है। वेयर डज योर पेट लाइव, ठीक है, आपका डॉग कहाँ पे रहता है? तो आप लिख दोगे यहाँ पे हाउस, आप उसे कहाँ रखते हो बच्चों? हाउस में रखते हो, आप लिख दोगे यहाँ पे हाउस, ठीक है। अब आते हैं इसमें, इसमें दिया गया है व्हाट डज योर पेट लाइक टू ईट, ठीक है। आपका जो पेट है, आपका जो डॉगी है, वो क्या खाना पसंद करता है, ठीक है। आपको वो लिखना है कि वो मीट खाना पसंद करता है या ब्रेड, तो आप यहाँ पर लिख दोगे मीट, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डॉग को क्या पसंद है? मीट पसंद है। तो ये आपका वन हो गया, ये टू लिखोगे आप, ये थर्ड, ये आपका फोर्थ हो गया,
ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे आपको देखो एक पैराग्राफ दिया गया। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखोगे, राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन माई पैड बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई एम, ठीक है, योर, ठीक है, आपको लिखना है अपना नाम, आप कौन हो। सभी बच्चे यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिख देता हूँ, राहुल, ठीक है, आई एम राहुल। आई हैव अ क्यूट, आई हैव अ क्यूट डॉग, आपके पास क्या है, क्यूट डॉग है। एज अ पैट माई पैट नेम इज, ठीक है, आपको अपने पैट नेम नाम लिखना है, क्या आ जाएगा इसमें, जैक। जैसे मैंने ऊपर बताया था आपके पैट का नाम क्या है बच्चों, जैक है, ठीक है। इट्स, ठीक है, इसका कलर क्या है, इट इज, उसका कलर लिखना है बच्चों आपको, ठीक है। तो आप कलर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, आप लिख दोगे इट इज, इसमें दे गया आपका वाइट, ठीक है, तो आप लिख दोगे इट इज वाइट, वाइट है इन कलर। इट कैन बार्क, बार्क आउट लाउड, ठीक है, तो वो क्या करता है, डॉगी जो बार्क करता है, तो इस पे आप लिख दोगे बार्क आउट लाउड, ठीक है। इट लव्स टू, ठीक है, वो क्या करता है, जंप, ठीक है, जंप हाई, ठीक है, आप जंप लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है, ये वाला आप यहाँ पे लिख दोगे, ऐसे ही ये वाला आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। आपको ये हैंड टू हैंड लिखते चलना है, ठीक है, जिससे किसी बच्चे का मिस ना हो। इट लाइक्स टू, वो क्या पसंद करता है, प्ले ऑल डे, ठीक है, आपके यहाँ पे आ जाएगा प्ले ऑल डे, ठीक है। इट्स फेवरेट फूड, उसका फेवरेट फूड क्या है बच्चों, ब्रेड, क्या है उसका फेवरेट फूड, ब्रेड, ब्रेड आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, आप ब्रेड लिख दोगे ये वाला, ठीक है। इट्स लाइक टू प्ले, ठीक है, आप दोनों लिख सकते हो, मीट और ब्रेड दोनों, ठीक है। इट लाइक्स टू प्ले वॉक, ठीक है, वो हमेशा एवरी डे, एवरी डे क्या चाहिए उसे, घूमने को चाहिए। आई लव, आई लव, आपके पेट का नाम आ जाएगा जैक, आई लव जैक वेरी मच, ठीक है, ये आप कट कर दोगे, ये नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये बच्चों पूरा आपका पैराग्राफ था, तो सभी बच्चे इसे क्या ने कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आपका आई थिंक मेरे हिसाब से ये छूट गया, सॉरी। इट लाइक्स टू प्ले विद मी ऑल डे, ठीक है, यहाँ पे आपका ऑल डे आ जाएगा, ठीक है। इट्स लिफ्ट्स माय मूड व्हेन एवर आई फील सैड, ठीक है, वो क्या करता है, आपके मूड को अच्छा करता है जब भी आप क्या सैड फील करते हो, ठीक है। आई टेक इट फॉर अ वॉक एवरी डे, ठीक है, तो ये सैड आ जाएगा, ये आपका ओल्ड है, ठीक है। मैं एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूँ, आई एम अ राहुल, आई हैव अ क्यूट डॉग एज अ पेट, माई पेट्स नेम इज जैक, ठीक है। इट इज वाइट इन कलर, वाइट इन कलर। इट कैन बार्क आउट लाउड, मियाओ, ठीक है, ये नहीं आएगा आपका, ये कैट के लिए था। इट लव्स टू जम्प, ठीक है, वो क्या कूदना पसंद करता है। इट लाइक्स टू प्ले ऑल डे, वो पूरा दिन खेलना पसंद करता है। उसका फेवरेट फूड क्या है, इट्स फेवरेट फूड इज ब्रेड एंड मीट, आप दोनों लिख दोगे इसमें, ठीक है। इट लाइक्स टू प्ले विद मी ऑल डे, वो आपके साथ पूरा दिन खेलना चाहता है। इट लिफ्ट्स माय मूड व्हेन एवर आई फील सैड, वो आपके मूड को अच्छा करता है जब भी आप सैड फील करते हो। आई टेक इट फॉर अ वॉक एवरी डे, आप उसे हमेशा घुमाने के लिए लेके जाते हो। आई लव, आप नाम लिख दोगे अपने पेट का वेरी मच, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका ये पूरा पहरा था, जो आपका थर्ड था, सेकंड हमने कंप्लीट किया, ठीक है, फिर हमने फर्स्ट कंप्लीट किया। तो होपफुली आपको पूरी वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है, एक एक बच्चे को। अब देखो मैं आपको व्लॉग के बारे में बता, देखो व्लॉग चैनल का जो नाम है वो है सुजीत सिंह, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, काफ़ी बच्चों को पता है उसके बारे में, मैंने एक वीडियो डाली थी, ठीक है, उसका जो विनर है, मैंने क्या बताया था कि वो आपको वीडियो देखनी है व्लॉग की, ठीक है, व्लॉग की जो वीडियो है वो देखने के बाद उसमें गिफ्ट दिखाया था लास्ट में, ठीक है, तो उसमें मैंने कहा था सभी बच्चे कमेंट करेंगे, और सेलेक्ट बच्चों वही बच्चा हुआ है जो डेली मेरे चैनल से वर्कशीट करता था, 10 फ्रेंड के साथ शेयर करता था और वीडियो को पूरी देखता था, ठीक है बच्चों। तो ये सब करने के बाद बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। अब आपको विनर के नाम देखने हैं, इसलिए आप लोग जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग वहाँ पे नाम देख सकते हैं, और उसका मैंने एड्रेस लिया, जो अगली वीडियो आएगी
उसमें बच्चों नया गिफ्ट आने वाला। अगर इस बार आपका नाम नहीं आया तो इसमें सैड होने की बात नहीं है। अगली वीडियो जल्दी ही अपलोड होने वाली है, उस वीडियो में लाइव दिखेगा। एक तो आपका वो लाइव दिखेगा जिस बच्चे को गिफ्ट मिला है, ठीक है, एक आपको ये लाइव दिखेगा कि कौन सा गिफ्ट मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे मेरे इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे जिसका लिंक मैंने नीचे दिया गया है, जिससे कि जैसे ही वीडियो आए आप लोगों को पता चल जाए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।